हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं अकाउंट्स विद टैली। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मेमोरेंडम वाउचर का उपयोग करना। इससे पहले हम टैली में बहुत सारे वाउचर्स थे, उन सब का यूज करना सीखा, जैसे कि पेमेंट वाउचर्स का उपयोग करना सीखा, जर्नल कंट्रा वाउचर का यूज करना सीखा, रिसिप्ट वाउचर का यूज करना सीखा, जर्नल वाउचर का यूज करना सीखा, सेल्स की, परचेज की, और अब हम सीखेंगे मेमोरेंडम की। तो ये मेमोरेंडम वाउचर क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, अगर जब हम किसी को रुपया या कोई वस्तु, कुछ भी ऐसी चीज जो हमें किसी को देना पड़े और हम उसे देते हैं, तो उसके लिए हमें कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमें वह याद रहे कि हमने किसी को रुपए दिए हैं या फिर कोई वस्तु दिए हैं। चाहे तो हम उसे कॉपी पर नोट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने किसी व्यक्ति को कुछ रुपए दिए हैं, जिस डेट को दिए हैं वो डेट भी नोट कर लेते हैं। तो ये वर्क तो हम कॉपी पे आसानी से कर लेते हैं कि जिस तारीख इस तारीख को हमने उसे पैसे दिए और ये हम नोट करके रख लेते हैं। अगर हमें यही वर्क टैली में करना पड़े तो हम कैसे करेंगे और कैसे याद रखें कि किस डेट को हमने रुपए दिए हैं? तो इसे याद रखने के लिए हम मेमोरेंडम वाउचर्स का उपयोग करते हैं। अब जैसा कि हम किसी कर्मचारी को 2000 रुपए दिए हैं, वह कुछ वस्तु लेके आए, कोई थिंग्स लाने के लिए उसे दिए हैं कि 2000 रुपया और तुम ये कोई थिंग्स लेके आओ, तो ये सब हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि हमने कर्मचारी को 2000 रुपए दिया, वो क्या लेके आएगा क्या लेके नहीं आएगा ये अभी तक हमें मालूम नहीं है। और इसके लिए हम टैली के मेमोरेंडम वाउचर्स का उपयोग कैसे करेंगे, तो आइए हम देखें। इसके लिए हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में एंड इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे जैसे पेमेंट वाउचर्स ओपन हो गया, तो यहाँ से हम जाएंगे F11 पे और फीचर्स एक्टिवेट करने होंगे हमें। F11 प्रेस करें कीबोर्ड से और यहाँ पे बजट एंड स्क्रीनियर मैनेजमेंट में एक फीचर्स है, यूजर रिजर्विंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर्स। हम इसे यस करेंगे और जब हम इसे यस करेंगे तो हम मेमोरेंडम वाउचर्स का यूज कर पाएंगे। अभी ये नो है, वापिस हम एस्केप की से बाहर आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हम कि मेमोरेंडम वाउचर्स का जो ये है मेमोज, ये हाईलाइट नहीं है। कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे तो ये नहीं ओपन होगा। और यही हम यहाँ फीचर्स एक्टिवेट कर लेते हैं तो वो ऑप्शंस जो है हाईलाइट हो जाएंगे। तो हम यहाँ से इसे यस कर लें, हमने यस किया एंड इंटर प्रेस किया और कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए ये मेमोज एंड रिजर्विंग जर्नल वाउचर्स की जो दो ऑप्शंस थी वो हाईलाइट हो चुकी है, एक F10 और दूसरा Ctrl F10। ये F10 के नीचे डबल दो लाइन है, इसे हम कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे किसी भी फंक्शनल की के नीचे। अगर लाइन डबल रहे तो कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे और लाइन सिंगल रहे तो हम उसे ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे। अगर कोई लाइनिंग ना रहे तो हम डायरेक्ट प्रेस करेंगे उस की को। तो अब हम यहाँ पे एक और बात बता दें कि इसका फायदा हमें तब होता है कि जब हम कोई वाउचर्स में एंट्री कर रहे हैं तो इसका लेजर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई लेजर हमने पेमेंट में एंट्री की, सेल्स में एंट्री की, तो उसके लेजर्स पे मेमोरेंडम वाउचर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस वाउचर्स को अपलोड कर लिया हमने और अब हम यहां से प्रेस करेंगे Ctrl F10 या फिर इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मेमोरेंडम वाउचर्स ओपन हो गया।
अब हमने किसी कस्टमर या सप्लायर या फिर कोई ग्राहक उसको 2,000 रुपये दिए कि तुम ये सामान तुम्हें लाना है, अब वो सामान हमें ला के दिया नहीं दिया, लेकिन हमें वो नोट कर लेना है कि हमने उसे 2,000 रुपये दिए। क्योंकि जब हम कैश की एंट्री करेंगे और उस समय जब कैश हम मिलाएंगे तो हमें 2,000 रुपये घट रहा होगा हमारा, तो वो अगर हम यहाँ लिखे रहेंगे इसकी एंट्री किए रहेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमने 2,000 रुपये किसी सप्लायर को दिया। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए सप्लायर का नाम आकृति और इसे हमने 2,000 रुपये दिया, और यहाँ पे हम न्यू रिफरेंस के तहत यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एक्सेप्ट कर ले, और उसे हम कैश दिए हैं तो कैश यहाँ पे लेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस एंट्री को हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो एंट्री हमने की है उसे देखने के लिए हम वापस एस्केप की से बाहर आएंगे और यहाँ से आएंगे डिस्प्ले पे, या तो हाईलाइट व डी प्रेस करें या फिर इंटर प्रेस करें। और अब हम यहाँ से आएंगे, पहले हम किसी भी एंट्री को डे बुक में देखते थे, अकाउंट बुक में देखते थे, इन्वेंट्री बुक्स में देखते थे, लेकिन अब हम आएंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन रिपोर्ट में। यहाँ हाईलाइट वर्ड एक्सप्रेस करेंगे कीबोर्ड से या फिर इंटरप्रेस करेंगे, और अब यहाँ हम आ गए एक्सप्रेशन रिपोर्ट्स की, ये ओपन हो गई है ये बॉक्स। अब इसमें हम आएंगे मेमोरेंडम वाउचर्स पे, एंड यहाँ पे हाईलाइट वर्ड एम प्रेस करेंगे या फिर इंटरप्रेस करेंगे। अब ये हमने 1 अप्रैल की एंट्री की है जो 1 तारीख की हुई है, अब हम इसे इंटरप्रेस करके देख सकते हैं। ये देखिए लिस्ट ऑफ ऑल मेमोरेंडम वाउचर्स एंड डेट जो थी वो 1 अप्रैल की थी, कस्टमर्स का जो नाम था वो है वाउचर्स टाइप मेमोरेंडम वाउचर्स नंबर 1 और डेबिट हुए थे 2,000 रुपये। अब यहाँ से हम पूरी एंट्री देख सकते हैं। अब यहाँ तो हमने ये एंट्री देख ली कि ये हम अपने याद के लिए कि हमें याद रहे तो ये एंट्री कर ली। अब अगर मानिए कि वो कस्टमर्स आया वापिस और 800 रुपये का 1,800 रुपये का मान लीजिए सामान लाया और 200 रुपया वापिस लेके आया, तो जब तक हम इसकी एंट्री पेमेंट में नहीं करेंगे तब तक तो हमारा कैश का बैलेंस सही नहीं होगा। तो इस एंट्री को हम करने के लिए यहाँ से आएंगे, यहीं पे हम F5 की प्रेस करेंगे और ये देखिए हम आ गए पेमेंट की एंट्री में, और यहाँ अब हमें कुछ नहीं करना है, इंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। अब मान लीजिए कि ये जिस कस्टमर्स को हमने 2,000 रुपये दिए थे वो हमें 1,800 रुपये का टोटल सामान लाया, यहाँ पे हम लिख दें अमाउंट में 1,800 रुपये और कैश भी 1,800 रुपये और 200 रुपये हमें वो वापस कर दिया, एंड देन हम इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर ले इस एंट्री को। तो जैसे ही हमने इस एंट्री को पेमेंट कर दिया मेमोरेंडम वाउचर्स को, तो ये देखिए मेमोरेंडम वाउचर्स में जो एंट्री थी वो यहाँ से चली गई है। फ्रेंड्स आपने सीखा मेमोरेंडम वाउचर्स का यूज करना, तो अब ये जो हमने एंट्री की है मेमोरेंडम वाउचर्स की, इसका प्रभाव लेजर पे नहीं पड़ा होगा, तो इसके लिए हम वापस एस्केप की से बाहर आएंगे और यहाँ से हम आएंगे डिस्प्ले पे, और यहाँ से आएंगे अकाउंट्स बुक पे, और ये देखिए हमने लेजर देखा, तो ये देखिए जो एंट्री 1800 की पेमेंट की हुई वो यहाँ हो गया और जो 2,000 रुपये थी उसकी एंट्री नहीं हुई क्योंकि हमने 1800 की ही मेमोरेंडम वाउचर्स बनाई थी। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। फिर आप हमारी DVD परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.iptindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।